Hey friends, welcome back to my channel. आप सब कैसे हैं? I hope आप सब अच्छे होंगे. हमारे साइड साइक्लोन आ चुकी है. आपके साइड की क्या सिचुएशन है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ लोटस मेकअप 10-in-1 क्रीम. दिस इज ग्लो क्रीम. तो जो भी है फ्रेंड्स, अगर मैं बता दूं कि जो भी लाइक जो भी मेकअप लुक चाहते हैं, लाइक नेचुरल मेकअप जो पसंद करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट क्रीम है. मैं उनको बिल्कुल ये क्रीम रिकमेंड करूंगी क्योंकि नेचुरल लुकिंग स्किन के लिए बहुत ही सही है ये. आपको बहुत, मैं बोलूँ, विजिबल कवरेज देता है. ठीक है, इसके बाद मैं बता दूँ आपके ब्लेमिशेस, पिंपल्स वगैरह को ये हाइड करेगा नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे स्किन पे वैसे एज सच कोई इम्परफेक्शन नहीं है. लेकिन मुझे सपोज फॉर एग्जांपल जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ही ब्राइटन हो जाती है. लाइक आपकी स्किन बहुत डल दिख रही हो, आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो, देन इसे अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, इसे अप्लाई कर लो आप डॉट डॉट करके क्रीम की तरह, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन करता है. देन मैं बात करूँ ये आपके जो, अगर इसे आप बिल्ड करना चाहते हो तो कवरेज इसे डबल लेयर लगा कर आप फिर से कवरेज बिल्ड कर सकते हो. इसकी मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ. मैं इसे ऑलमोस्ट यूज़ कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत बचा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ डॉट डॉट करके. इस तरीके से इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, आप यहाँ पे शाइन देख सकते हो. तो ये जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन को बहुत ही मतलब शाइनी एंड सटल लुक देगा. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगेगा आप अपनी स्किन पे बहुत मेकअप अप्लाई किए हो. एंड एक्चुअली ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, तो एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप घर पे भी हो तो आपको SPF अप्लाई करना ही चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें SPF 25 आपको ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है. एंड वन मोर थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऑल स्किन टाइप के लिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल जब हम फाउंडेशन लेने जाते हैं तो हम लोग हमेशा उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए या फिर ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ ये सारे स्किन टाइप के लिए. हाँ, सबसे पहले आपको स्किन रूटीन फॉलो करना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अगर आप जो रूटीन फॉलो करते हैं अपनी वो रूटीन फॉलो करेंगे एंड देन अपनी स्किन को ब्राइटन करने के लिए ये अप्लाई करोगे. देन सिमिलरली ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले अपना स्किन रूटीन फॉलो करने के बाद ये अप्लाई करेंगे, बहुत ही नेचुरल एंड सटल लुक देगा. मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया. जिनको हैवी लुक नहीं चाहिए, कॉलेज गोइंग गर्ल, टीनेजर्स हो गया, देन जो पर डे हाउस वाइफ होती है जो घर पे मेकअप करती हैं, उनके लिए बहुत ही सही है. आपके स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, SPF एवरीथिंग ये प्रोवाइड करता है. मूविंग टू इसकी MRP 345 है, जो कि आपको डिस्काउंट प्राइस में ऑलमोस्ट कभी कभी डिस्काउंट प्राइस में मिलती रहती है, तो आप डिस्काउंट प्राइस में जब हो तो आप ले सकते हैं. मैं इस प्रोडक्ट को थम्स अप पुट करूंगी और पर्सनली मैं रिकमेंड करती हूँ इस प्रोडक्ट को. अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसे यूज़ ज़रूर कर सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा नेचुरल मेकअप लवर है तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट आपके लिए ही है. तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन आपको दिख रहा होगा शायद, दिखा जी, तो बस उसको आपको प्रेस कर देना है. वहाँ एक घंटी दिखेगी, उस घंटी पे आपको प्रेस कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियोज आती रहे वो आपको मिलती रहे. टिल दैट टाइम फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, और आप सब घर पे रहें, सेफ रहें. लव यू ऑल.